हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी चिकन और वो भी अपने घर पर। और इसे बनाने के लिए आपको तंदूर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर की जो कढ़ाई है इसमें ही बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं फूडी गॉड। हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी चिकन, वो भी अपने घर पर। तो चलिए हम चिकन पहले सबसे पहले हम चिकन लेकर आते हैं। गाइस, अब हम सबसे पहले चिकन लेकर आते हैं और हमें ज़्यादा चिकन नहीं लाना है, हम 1 किलो ही लेकर आएंगे। हमारे यहाँ आसपास कहीं मिलता नहीं चिकन, तो हमें थोड़ा 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और इसके बाद आप घर में ट्राई करें ज़रूर, घर में ये जो है हम बिना तंदूर का ही घर में बहुत अच्छा बनेगा। आप एक बार अपने घर में ट्राई करें और बताएं हमें भी कैसा बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो चिकन लिया है, ये देखिए मैंने ये लेग है, 2 लेग मिले हैं, तो मैंने इसमें दोनों लेग में कट लगवा लिए हैं इस तरह से, ताकि मसाले लेग के अंदर से चले जाएँ। और ये मैंने ये देखिए छोटे छोटे पीसेस करे हैं ताकि हमारा चिकन जल्दी से पक जाए, इसलिए मैंने ये छोटे छोटे पीसेस करवाए हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 से 4 चम्मच दही लेना है। ये मैंने दही लिया है 3 से 4 चम्मच। उसके बाद 2 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, ये देखिए। इसके बाद मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच ही है ये कुटा हुआ ब्लैक पेपर पाउडर। इसके बाद मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है और 1/2 हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, इस तरह से। नींबू का रस और दही से क्या होता है, हमारा जो चिकन है वो बहुत सॉफ्ट बनता है, ये देखिए। अब हमने ये नमक डाला है, अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, काफ़ी मतलब 3 से 4 मिनट हमें इसे मिक्स करना है। आप मिक्स करेंगे तो देखिए कलर ऐसा हो जाएगा, प्रॉपर हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा जो चिकन है, अब हम चिकन इसमें मिक्स करेंगे। 1 किलो चिकन है तो ये सारा मसाला लग जाएगा इसी में, ये देखिए। सबसे पहले मैंने इस लेग को लिया है और हम सारे पीसेस इसमें डाल देंगे इस तरह से। और आप कोशिश करें कि हाथ से ही मिक्स करें, हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है, चम्मच से इतनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। हाथ से प्रॉपर हर पीसेस में लग जाएगा लेग के, ये देखिए जहाँ पे हमने कट लगवाया था इसमें भी मसाला अच्छी तरह से लग जाता है। इस तरह से प्रॉपर हमें पूरे इस पर लगा देना है, ये देखिए गाइस हमारा लग गया है। तो अब हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे, इसे कवर करके इस तरह से। और तब तक हम अपनी प्याज, हमें 4 से 5 मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, जिसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से, बारीक तरीके से कट कर लेना है। और उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिया है, जिसे भी हम बिल्कुल बारीक की तरीके से कट करना है इस तरह से। अभी मैं कट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरी तरह से भी कट करूँगा, जिसमें से बिल्कुल जितने भी हरी मिर्च के इस तरह से देखिए, मैं बिल्कुल इस तरह से कर दूँगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा इससे हरी मिर्च। ऐसा करने से ये होता है कि जितने भी हमारे जो हरी मिर्च है वो मसालों के साथ अच्छी तरह से हमारे चिकन के ऊपर लग जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल हमने डाल दिया है और हम एक एक करके सारे चिकन के पीसेस हम कढ़ाई में डाल देंगे इस तरह से, देखिए सारे पीसेस को आपको ध्यान से डालना है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, जो हमने प्याज कट करके रखा था, देखिए इस तरह से हमें सिंपली डाल देना है। उसके बाद हम हरी मिर्च लेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे इस तरह से, कुछ नहीं करना है। और हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाएंगे इस तरह से। तो तब तक हम धनिया पत्ता काट लेते हैं। कोशिश करें कि आप धनिया पत्ता जब भी आप काटें तो उसकी जो जड़ें होते हैं वहाँ से ही कट करें, वहाँ से आप हर चीज़ में डालें, अपने सब्जियों में या किसी भी चीज़ में डालें, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा उस तरह से, ये देखिए। गाइस हमारा 10 मिनट हो गया है, तो हम इसे पलट के मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस हमारा एक साइड से पक गया चिकन। इस तरह से हम
सारे चिकन को इस तरह से हम पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए गाइस, इधर से भी बहुत अच्छा कलर आया, एक साइड से हमारा पक गया है, तो हम दूसरी साइड से भी पकाएंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे सारे, हमारा प्याज और हरी मिर्च भी है उसी में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छी तरह से हमारा कलर आया हुआ है इस तरह से। हमें चारों तरफ से सारे पीसेस को पलट देना है और हम इसे 5 से 7 मिनट अब दूसरी साइड से भी पकाएंगे। ये देखिए गाइस, 5 से 7 मिनट बाद देखिए हमारा चिकन है बहुत प्रॉपर अच्छी तरह से पक गया है। ये देखिए हमारा पानी भी बिल्कुल सूख गया है, हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करा था, जो चिकन में से निकलता है वही था। और मैं इसको पीस भी आपको निकाल के दिखला देता हूँ, कट करके दिखला देता हूँ। ये देखिए गाइस कितना ईजिली कट हो गया है। ये देखिए गाइस हमारा चिकन अंदर से बहुत अच्छी तरह से सीज गया है। ये देखिए गाइस, अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे जो हमने कट करके रखा हुआ था। ये देखिए गाइस, धनिया पत्ता ऐड करने के बाद हमें बस 2 से 2 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि हमारा चिकन अच्छी तरह से पक गया है। हम बस धनिया पत्ता ही पकाएंगे, 2 मिनट पकाएंगे ताकि हमारे चिकन के ऊपर धनिया पत्ता है वो सही से चिपक जाए, लग जाए और फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल सारे पीसेस को एक एक करके। ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है हमारा। ये देखिए, अब मैं इसमें ऊपर से 2 चम्मच मैंने बटर लिया है। ये देखिए 2 चम्मच हम इसमें बटर ऐड करेंगे ऊपर से, प्लेट के ऊपर ही हमें लगाना है। ये देखिए इस तरह से सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए गाइस, बटर से क्या है कि खुशबू बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने क्रीम लिया है, अमूल का क्रीम लिया है, आप नॉर्मल क्रीम भी ले सकते हैं जो घर की मलाई होती है। इस तरह से हम इसके ऊपर, और ये मैंने धनिया पत्ता थोड़ा सा। ये देखिए गाइस इस तरह से अब हमारा तंदूरी चिकन खाने के लिए तैयार है। गाइस बहुत इजी है, आप घर में ट्राई करें, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत इजी है बनाना, कोई ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।